गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी खास इंपोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सैटरडे को साइंस मॉनिटर आता है, डिस्कस करेंगे। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसमें न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया गया है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला, साइंस मॉनिटर के अंदर जो बात की गई है वो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में बात की गई है। ये बॉडी 1999 में बना था, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप ध्यान में रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये महासागरों से जुड़ी जानकारियाँ, मतलब ओशन से सारे जो नॉलेजेस होते हैं उनको इकट्ठा करके, चाहे साइक्लोन के बारे में हो, चाहे अर्थक्वेक के बारे में हो, मतलब डिसास्टर संबंधी जो ही बातें होंगी उसको, मतलब ये बताएगी कि कहाँ क्या, जैसे फॉरकास्टिंग वगैरह में, वेदर में किसान वगैरह को फायदा होता है, मतलब जनता को चेतावनी देगी। तो इनको शेष क्या है, चाहे भारतीय तटरक्षक, मछुआरे मछली पकड़ने जाएं, न जाएं, कितनी दूरी तक जाएं, ये सब डाटा निकाल करके ये देती है इनको। इंपॉर्टेंट बॉडी होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा और इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन के द्वारा भी ये मतलब बातचीत करता है, कॉलेशन है एक तरह का। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर बम्प हेड पैरोट फिश, ये अंडमान निकोबार के कोरल लीफ के आसपास पाया जाता है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में, हमारे इंडियन ओशन में भी और पैसिफिक ओशन में भी, यहाँ पर ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंडर IUCN के अनुसार आता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई है। यहाँ पर न्यूट्रिशन किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ग्रामीण जनता तक, शहर जनता तक, चाहे BPL के लोग हों, चाहे APL के लोग हों, उन तक कैसे पहुँचाया गया है, ये बातें कही गई हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब सभी के लिए अच्छा खाना है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या, इंश्योर एवरी इंडियन हैज़ एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशन फूड, मतलब हमारे भारत के हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, उनको फूड सही मात्रा में, सही न्यूट्रिशन में मिले। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर PDS मतलब सार्वजनिक की बात की गई है कि PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मतलब लोगों को जो मिलता है गाँव में खाना जो दिया जाए, उसका एक चेन है। यहाँ पर चेन यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद प्रोक्योरमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले अनाज को प्रोक्योर करता है, उसके बाद स्टोरेज करता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसके बाद बल्क एलोकेशन करता है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद फेयर प्राइस शॉप्स जाते हैं, उसके बाद कंज्यूमर तक पहुँचता है। ये एक चेन है। आप किसी आंसर के अंदर इस तरह से भी बना सकते हो, आपके आंसर इंप्रेसिव हो सकते हैं, कहने का मतलब यह है इस तरह से। तो आगे बात करें इसके अंदर तो चैलेंजेस क्या क्या है इसके अंदर, तो हॉर्डिंग, बहुत लोग हॉर्डिंग कर लेते हैं, एरर्स इन इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग बेनिफिशरीज, फेक एंड बोगस राशन कार्ड्स, बहुत सारे लोगों के पास गलत तरीके से, मतलब जिनको, जो APL में भी आते हैं, मतलब कहने का मतलब है जो हाई कैटेगरी में आते हैं, वो भी अपना राशन कार्ड बनवा करके इस योजना का फायदा ले लेते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वीक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड सोर्स सोशल ऑडिट, मतलब गांव में जो बांटता है PDS सिस्टम के थ्रू, उसके सामने कोई बोलने वाले की हिमाकत नहीं होता है, कहाँ पे मैकेनिज्म हो, कहाँ पे शिकायत करें नहीं करें, ये सब इसके चैलेंजेस हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, उसके तहत जरूर कुछ फ़ायदा हुआ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, और 2/3 लोगों को कवर करने की बात कही गई थी, 6.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के आसपास और 11.5 करोड़ APL वाले एवं पॉवर्टी लाइन के आसपास, मतलब पूरे 2/3 को कवर करने के लिए इस तरह का। और फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, मतलब कुल मिलाकर के खाना सही से मुहैया कराया जा सके, इसमें इसको ट्रांसपेरेंसी लाने में, इसको हर इंसान तक, हर गांव-गांव के हर पर्सन तक पहुंचाने में, ये जो ई पोस्ट
सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट सेल, ये इस तरह का एक मशीन होता है जिसमें स्वाइप का भी वो होता है, और ये क्या बोलते हैं अंगूठे वगैरह देने का भी उसमें होता है। ये आप गांव में पीडीएस सिस्टम वाले के पास एक छोटा सा मशीन होता है, एनआईसी ने बनाया है इसको, और ये आप यहाँ पर देख ही तो सकते हो, ये वाला जो है, देखो मुझे क्यों नहीं दिखा, यहाँ पर जो है यही तो मशीन है, ये वाला जो है, इसी मशीन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल से जो आजकल पीडीएस वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे जरूर फायदा हुआ है, देख लो किस तरह से हो रहा है। राशन कार्ड जो नकली बनवाते हैं बहुत सारे लोग, अब यहाँ पर आधार कार्ड जो हमारा 12 डिजिट का है, इसको जोड़ करके जो ट्रांसपेरेंसी है वो जरूर बढ़ाई जा रही है, कुल मिलाकर के मतलब टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है इसके साथ, जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप सब कुछ देख सकते हो कि कौन सा कहाँ पर कितना कितनी मात्रा में किसके पास स्टॉक है, कितना निकल चुका है, क्योंकि इन लोगों को मेंटेन करना होता है, और साउथ में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है। स्टॉक्स एलोकेटेड टू स्टेट्स गोडाउंस, स्टॉक्स एलोटेड इन इंडिविजुअल फेयर प्राइस शॉप्स, मतलब कहाँ पे क्या क्या किस मात्रा में है, ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो आज के न्यूज़ में इतना ही था, थैंक यू, थैंक यू।